विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने के विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने घुटने टेकने पर विवश हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी चाहते हो कि खेल रहे विराट कोहली अपने 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक लगाने तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हम आप सभी को बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच के पहले ही दिन कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पहले सत्र में शांत दिखे, लेकिन दूसरे सत्र में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 139 रनों की साझेदारी की। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने 74 गेंदों में 57 रन बनाकर जेसन होल्डर के हाथों आउट हो गए, जो पहले सत्र में खतरनाक दिखने वाले एकमात्र गेंदबाज थे, जबकि रोहित शर्मा ने 143 गेंदों में 80 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद शुभमन गिल एक बार फिर अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे और 10 रन पर आउट हो गए। वहीं इसके बाद विराट कोहली आए, जो उनकी 500वीं अंतर्राष्ट्रीय मैच थी और उन्होंने 21 गेंदे खेलकर यह उपलब्धि हासिल की, जो उन्होंने शानदार प्रदर्शन के साथ किया। साथ ही दूसरे सत्र की आखिरी गेंद पर रहाणे का विकेट गिर गया। हालांकि कोहली और रविंद्र जडेजा ने भारत को मैच में वापसी करा दिए। भारत तीसरे सत्र में कोई विकेट न खोए और टीम की पारी की दूसरी 100 से अधिक की साझेदारी की, जिनके बदौलत भारत ने दिन के अंत में 4 विकेट खोकर 288 रन बना दिए, जिसमें कोहली 161 गेंदों पर 87 रन और जडेजा 84 गेंदों पर 36 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं।